हेलो चिल्ड्रन, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री एक्सपर्ट। टुडे आई ब्रिंग वेरी इंपॉर्टेंट सेशन पार्ट टू। पार्ट फर्स्ट में हमने साइंस और उसकी डेफिनेशन और साइंस की कितने ब्रांचेज होते हैं और केमिस्ट्री की डेफिनेशन और उसकी ब्रांचेज को पढ़ा था। अब हम इसी सीक्वेंस में, इसी चेन में ये स्टडी करने वाले हैं कि जितने भी केमिस्ट्री होती है, जो भी केमिस्ट्री होती है उसकी जो स्टडी की है, तो उस स्टडी का हम बेनिफिट क्या लेंगे, तो उसे हम कहेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी केमिस्ट्री होती है, वो केमिस्ट्री हर एक पार्ट में हमारी लाइफ में, चाहे वो इंडस्ट्री हो, मेडिसिन हो, आपकी स्पेस इंडस्ट्री हो, ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री हो उसके अंदर, या फिर आपके जितने भी थ्रेड्स होते हैं ना, पेंट होती है, उसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। अब उसी सीक्वेंस में सबसे नंबर वन पॉइंट होगा इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। उसी के अंदर ये आपका छोटा सा सेगमेंट है कि केमिस्ट्री इन अ मेडिसिन, मतलब जो आपकी मेडिसिन होती हैं उस मेडिसिन में केमिस्ट्री का रोल क्या होता है। तो केमिस्ट्री के रोल के लिए सबसे पहले हम देखेंगे जो आपकी लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं। अब लाइफ सेविंग ड्रग्स का मतलब क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिकेटर युवराज सिंह को कैंसर हुआ था कुछ साल पहले, तो उन्हें डायग्नोसिस के लिए अमेरिका जाना पड़ा, तो उन्होंने कैंसर का डायग्नोसिस करवाया। उस कैंसर की डायग्नोसिस में कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिसमें टैक्सोल और सिसप्लैटिन यूटिलाइज होता है, मतलब टैक्सोल और सिसप्लैटिन एक ऐसा केमिकल ड्रग होता है जो लाइफ सेविंग ड्रग होता है और कैंसर के ट्रीटमेंट के काम आता है। दूसरी बात है AZT, AZT का पहले तो हम फुल फॉर्म देखते हैं, इसका मतलब होता है एजिडो थायमिडीन। तो ये एक ऐसी दवाई है जो कैंसर के लिए, सॉरी एड्स के लिए यूज होती है, इसके लिए एड्स के डायग्नोसिस के लिए यूज होती है। दूसरा देख लेते हैं प्रोफाइलेटिक्स का मतलब क्या होता है। प्रोफाइलेटिक्स का मतलब होता है ऐसे केमिकल्स जो डिजीज के प्रिवेंशन के लिए यूज होते हैं, डिजीज प्रिवेंटिंग ड्रग्स होती हैं, या फिर वो स्क्रीन करती हैं। स्क्रीन का मतलब वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया, उन्हें मार देती हैं या उनकी ग्रोथ को कम कर देती हैं। जैसे वैक्सीन, जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन दी जा रही है अलग एज के पर्संस के लिए। इसी के साथ साथ हमारा दूसरा है ड्रग, लाइफ सेविंग ड्रग, एनर्जेसिक्स। एनर्जेसिक्स का मतलब क्या है, जैसे किसी को फीवर हुआ तो टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर हाई होता है तो आपका पैरासीटामोल ले लेते हैं। तो ये पैरासीटामोल एक प्रकार का कंपाउंड होता है जो बॉडी के टेम्परेचर को कम करता है। एक और, जैसे किसी को सिर में दर्द हो रहा है तो आपका डिस्प्रिन ले लेते हैं, क्या लेते हैं, डिस्प्रिन। तो ये भी अपने आप में एक प्रकार का केमिकल ड्रग हुआ जो केमिस्ट्री की नॉलेज से ही सिंथेसाइज हो सकता है, ठीक है। दूसरा एनेस्थेटिक, जैसा कि आप जानते हो कि कुछ टाइम पहले जब CHCl3 की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो CHCl3 को हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं, तो क्लोरोफॉर्म की डिस्कवरी से पहले अगर किसी का एक्सीडेंट होता था तो उसकी सर्जरी के लिए ऐसे स्ट्रिचिंग कर देते थे जिससे करीब 40% लोगों की डेथ हो जाई करती थी। जैसे ही CHCl3 क्लोरोफॉर्म ईजाद हुआ तो इसे एज एनेस्थेटिक यूज करने लगे, लेकिन ये जो आपका केमिकल होता है वो काफ़ी नुकसानदायक होता है, इसलिए कुछ साल पहले ही गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसे बैन कर रखा है। दूसरा है एंटीसेप्टिक्स, ठीक है। एंटीसेप्टिक्स होते हैं कुछ, वो केमिकल्स होते हैं जो आपके एंटीसेप्टिक की तरह काम करते हैं, जैसे आपकी कुछ आपकी फेस क्रीम्स भी होती हैं, कुछ जैसे आपके और भी क्रीम होते हैं, ट्यूब्स होते हैं जो जैसे कहीं जल जाते हैं तो वहाँ पर वो लगा देते हैं, जैसे बीकोटर्मिक है वो लगा देते हैं। दूसरा होता है डिसइन्फेक्टेंट, जैसे आपका डिटॉल है वो एक डिसइन्फेक्टेंट की तरह काम करेगा, या फिर हमें ये ऐसे कह सकते हैं कि जैसे आपका फॉर्मलिन होता है ना, फॉर्मलिन, ठीक है, तो ये जो फॉर्मलिन होता है वो एल्कोहल का सॉल्यूशन होता है, ये भी आपका डिसइन्फेक्टेंट की तरह काम करेगा। फिर है जर्मिसाइड्स, कुछ जर्म्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनकी ग्रोथ को रिड्यूस करने के लिए, है ना, डिक्रीज करने के लिए हम जर्मिसाइड्स का यूज करते हैं। इसके बाद आती है बात एंटीबायोटिक्स की, तो अलेक्जेंडर नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने पेंसिलिन से एंटीबायोटिक बनाया था।
पेंसिलिन नाइटेटम नाम का प्लांट होता है उससे पेंसिलिन बनाई गई थी सबसे पहले। इसके बाद ट्रांसड्राइजर, मतलब किसी के दिमाग में कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसके लिए ऐसे केमिकल्स दिए जाते हैं जिससे उसे नींद आए, वो नॉर्मल रहे। तो ये आपके होते हैं ट्रांसड्राइजर्स जो डायरेक्ट ब्रेन पर वर्क करते हैं। इसके बाद होते हैं आपके सिंथेटिक वाइटामिन्स और टॉनिक्स। जैसा कि आप जानते हैं किसी को खांसी हो जाती है, कफ हो जाता है, तो उसे टॉनिक्स दी जाती हैं। ये टॉनिक्स सिंथेटिक होती हैं और कुछ वाइटामिन्स होती हैं। जैसे सपोर्ट करिए कोई फीमेल है जो बच्चे को जन्म देने वाली है तो उसकी बॉडी के अंदर कुछ मिनरल्स और चीज़ों की कमी हो जाती है तो उसे आर्टिफिशियल वाइटामिन्स और टॉनिक्स दी जाती हैं जिससे बॉडी के अंदर कुछ मिनरल्स आयंस उनकी कमी ना हो पाए। तो मैं अभी आपको ये फर्स्ट पॉइंट आपको कंप्लीट कर लिया है, अब हम देखते हैं दूसरा वाला।